लखनऊ से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री व बसपा सुप्रीमो का 66वां जन्मदिन उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जगह जगह उल्लास के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ की पश्चिम विधानसभा में वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रत्याशी कायम रजा ने अपने विधानसभा कार्यालय में समर्थकों के साथ बसपा सुप्रीमो का जन्मदिन केक काट कर मिठाई बांट कर मनाया। हमारा तो पूरे दिली इच्छा है कि हमारी बहन जी 66 वर्ष की अपनी पूरी हो गई, उनकी खुशी में हम लोग केक काटा और खुशियाँ मनाए, लड्डू बटे। हम चाहते 1000 वर्ष हमारी बहन जी जीती रहे और हमारे संगठन को, हमारे सारे सर समाज को लेके चले और 5वीं बार मुख्यमंत्री बहन जी बने। ये तो चुनाव आयोग ने बैन लगाया नहीं, आज का दिन जो है हर जिले में, आज लाखों आदमी हर जिले में केक काट रहा होता है और लखनऊ में भी बहुत ज़बरदस्त मनाया जाता है बहन जी का जन्मदिन। लेकिन चुनाव आयोग ने 15 तक रोक लगा दी, क्योंकि आज तक अभी तक कोई रैली में इतनी भीड़ इकट्ठा नहीं कर पाया बहन जी के जन्मदिन जितनी भीड़ होती है, तो वो उसी के डर के वजह से इन्हीं ने क्या किया कि 15 तक बैन कर दिया। अच्छा, भाई 15 तक बैन करने का क्या मकसद था आप बताओ? तो निशाना तो बिल्कुल साफ है कि 15 ही तक क्यों आपने बैन लगाया? कोरोना बढ़ रहा है तो क्या हम 15 तारीख तक बढ़ रहा था, आगे तक बढ़ाते तब तो मानते, क्योंकि हमारी पार्टी एक लाइन आर्डर की पार्टी है और हम लोग बहन जी का पूरा जो निर्देश आता है हम लोग उसका पालन करते हैं। हमारा हर कार्यकर्ता बच्चे से बूढ़ा तक बहन जी का जो निर्देश आता है सख्ती से हम लोग पालन करते हैं और कहीं ना बहकते इधर उधर नहीं कि हम लोग भीड़ इकट्ठा करें, हमारा मुखिया कुछ कह रहा है हम कर कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग लाइन आर्डर की पार्टी है भाई और जो बहन जी का निर्देश होता है हम लोग उसका पालन करते हैं, करते रहेंगे। संकल्प ये लेते हैं कि पूरे हम अपनी विधानसभा पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ में, जनता के साथ में संकल्प लेते हैं कि 2022 में माननीय कुमारी बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प ले रहे हैं।